ये देखना होगा कि किस तरीके से इस लायबिलिटी, जिसको हम लायबिलिटी अभी समझ रहे हैं, उसको एक रिसोर्स के रूप में हम चेंज करें। तो जो चैलेंजेस एजुकेशन के फील्ड में हैं, ग्लोबलाइजेशन, आप लोग इससे परिचित होंगे शब्द से, एलपीजी रिजीम चल रहा है 1990s की, जो कि हमने बात की है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इस दौर में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, और यहीं से हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से ये चुनौतियाँ पैदा कर रहा है, नई तरीके की चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। अभी कैसेस को मैं आपको कोट कर रहा हूँ। कैसेस एक बड़े प्रमुख विद्वान हैं, जिन्होंने कैसेस हैं, रॉबर्टसन हैं और ड्रकर हैं, इन लोगों का जिक्र भी हम लोग करेंगे इस व्याख्यान के दौरान। कैसेस ने कहा है कि वी आर टुडे लिविंग इन अ नेटवर्क सोसाइटी, वी आर टुडे लिविंग इन अ नेटवर्क सोसाइटी। ये नेटवर्क सोसाइटी क्या है, और एजुकेशन भी, क्योंकि आईबी स्कूल्स की बात इस समय हो रही है, इंटरनेशनल बैक्लोरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आप देखिए, अभी तक आईसीएसई सीबीएसई के बोर्ड में स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और वही सबसे अच्छा माना जाता था कि ये सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, और इसमें लड़के एक्सेल करेंगे, इंग्लिश की नॉलेज इनकी बढ़ेगी और बहुत सारा एक्सपोजर इनको होगा। अब आईबी स्कूल्स की बात हो रही है इस दौर में, ये क्या सिस्टम है, इसका मतलब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है ग्लोबलाइजेशन के बाद से। ग्लोबलाइजेशन के बाद से मुख्य रूप से जो हम फिनोमेना देख रहे हैं वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की है। तो इसलिए इसको हम नेटवर्क सोसाइटी मानते हैं, बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर टुडे एंड ऑल द पीपल ऑल्सो दे आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ नेटवर्क सोसाइटी। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल सिस्टम ऑफ कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बहुत सारा सामाजिक आर्थिक इसका प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा है, इसके साथ ही साथ पूरे विश्व की जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हुई है। अगर आप ब्रिटेन को देखें, अमेरिका को देखें, उसी तरीके से साउथ एशिया में भी और स्पेशली इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उस पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे। और वो इसलिए है क्योंकि पूरे सिस्टम का इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है। अब जैसे स्कूल के लेवल पे पहले डिवीज़न होता था, हम इसको सोशियोलॉजिकली भी डिफाइन करेंगे, कास्ट के पर्सपेक्टिव से, जेंडर के पर्सपेक्टिव से, क्लास के पर्सपेक्टिव से, पूरे एजुकेशन पॉलिसी को, आपके पूरे एजुकेशन सिनेरियो को। लेकिन अभी हमने एक नाम लिया इंटरनेशनल बैक्लोरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आप देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया है ग्लोबलाइजेशन के बाद से, जिसके तहत पूरे वर्ल्ड में जो आईबी स्कूल्स हैं उनका एक करिकुलम होगा। पूरे ग्लोब में जितने भी आईबी स्कूल्स हैं वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम से चलेंगे, एक कोर्स करिकुलम होगा। और अगर कोई आदमी फ्रांस से माइग्रेट कर रहा है इंडिया में, तो उसके बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेम करिकुलम, सेम टीचिंग मेथड, वही पेडागॉजी, वैसे ही टीचर्स मिलेंगे और वो अप्रूव टीचर्स होंगे, वैसा ही वातावरण उसको मिलेगा। तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है। ये तो एक स्कूल एजुकेशन सिस्टम का मैंने एग्जांपल आपको दिया। कुछ इसी तर्ज पे हमारा हायर एजुकेशन भी डेवलप कर रहा है इसमें, हालांकि हायर एजुकेशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं उसके बाद से, स्कूल एजुकेशन में तो उतना नहीं है, मिडिल जो सेकेंडरी एजुकेशन है, लेकिन जो टर्शरी लेयर हायर एजुकेशन का उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अभी हम चूँकि बॉर्डरलेस इकॉनमी के दौर में हैं, जहाँ बॉर्डर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक इकॉनमी, इलेक्ट्रॉनिक हाईवेज, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन इस समय हो रहा है, और ये चूँकि एक ऐसा दौर है जो रेडिकलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी का दौर है। रॉबर्टसन एक विद्वान है, जो आधुनिकता और आधुनिकीकरण तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पुराना विषय ये है, लेकिन जो ये नया दौर 90 के बाद का है, ये रेडिकलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी का दौर, और भूमंडलीकरण का ये दौर जिसमें देश की सीमाओं का महत्व घटता जा रहा है, बॉर्डर्स का महत्व घटता जा रहा है, और हम सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ आईटी रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ मोबाइल टेलीफोन्स, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने, आप देखिए इस समय गूगल स्कॉलर्स की बात हम लोग करते हैं, कोई भी बच्चा और या कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या कोई भी टीचर इवन, वो टेक्स्ट बुक्स के बराबर ही मदद लेता है इस समय गूगल से। कोई भी विषय अगर आपको अभी कह दिया जाए कि आप इस विषय पर कुछ लिखिए या पढ़िए, इमीडिएट थिंग इज़ दैट यू ओपन अप योर गूगल अकाउंट और उसको तुरंत आप उसको टाइप करेंगे
और कुछ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये जो मल्टीमीडिया रेवोल्यूशन है, इसने एजुकेशन के पूरे सिनेरियो को चेंज किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों लेवल्स पर। तो इस पीरियड ऑफ हाई मॉडर्निटी में, जब हम वेटलेस इकॉनमी के दौर में हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो रहा है, तो एजुकेशनल सिस्टम भी चेंज होगा। उसके गोल्स डिफरेंट हो जाएंगे, उसकी पेडागॉजी डिफरेंट हो जाएगी, उसका जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो बदलेगा, और इस तरीके के चेंजेस उसमें आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जो बजटरी एलोकेशन हायर एजुकेशन पर रहा है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, और यही नहीं रिड्यूस हुआ है, इवन यूरोप में रिड्यूस हुआ है, इवन यूके में रिड्यूस हुआ है, उस पर अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक इकॉनमी के दौर में युवाओं के ऊपर भी एक बड़ा दबाव क्रिएट हो रहा है, भारत के युवाओं पर स्पेशली। और जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, चूँकि उससे युवा और बच्चे और किशोर लिंक्ड हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में ही हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो वेलफेयर स्टेट के रूप में, जो पूरा का पूरा हमारा अभी तक का दौर था आज़ादी के बाद से लेकर के, आप देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, वो सब हमें इंश्योर करते हैं कि हमारा देश कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करे, वो वेलफेयर स्टेट के रूप में कार्य करे। लेकिन जब ये नियो लिबरल इकॉनमी का दौर आया, नव उदारवादी अर्थव्यवस्था का दौर आया, नव उदार जो नियो लिबरल फिलॉसफी है, जो नियो लिबरल दर्शन है, जिसके आधार पर पूरा का पूरा मार्केट इकॉनमी इस समय ऑपरेट कर रहा है, बाजार अर्थव्यवस्था, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जो नियो लिबरल पॉलिसीज़ हैं वो डेमोक्रेसी और मार्केट इकॉनमी को प्रमोट करती हैं, और जो बेसिक उसका टेनेट है, जो उसका कार्डिनल ट्रेट है, वो ये है कि स्टेट की जो भूमिका होगी हर चीज़ों में वो श्रिंक करेंगी। एज अ वेलफेयर स्टेट, अब स्टेट को परसीव करना थोड़ी सी भूल होगी इनकी, क्योंकि स्टेट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम सिकुड़ रही, उसको हम कहते हैं कि श्रिंक कर रहा है। और ऐसे में अब तक जो हमारा जो हम परसीव करते थे कि पूरी की पूरी एजुकेशन हमारी वो राज्य चलाएगा, स्टेट चलाएगा, स्टेट फंडेड होगा, स्कॉलरशिप्स होंगी, और पूरा का पूरा सब्सिडी बेस्ड हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा, वही चल रहा था चार दशकों तक, करीब 47 से लेकर के 1990s का जब जो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिफॉर्म्स है, वहाँ तक का जो पूरा सिस्टम हमारा एजुकेशन का चला है वो गवर्नमेंट एड पे चला है। सरकारी स्कूलों का महत्व ज़्यादा था, और उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी। प्राइवेट स्कूल थे तो ज़रूर, लेकिन एक क्लास के लोगों के लिए थे, बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। सो नॉर्मली द पीपल, इवन द मिडिल क्लास सोसाइटीज़ पीपल, दे वर नॉट प्रेफरिंग गवर्नमेंट स्कूल्स। अब जो चेंज आया है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का चेंज आया है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है। तो द इंक्रीजिंगली एज अ सिस्टम ऑफ न्यू लिबरल पोलिटिकल इकॉनमी रोल्ड आउट, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स बिगैन विदड्रॉइंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा जो पूरी तरीके से राज्य के द्वारा पोषित होते थे, उसमें स्टेट ने विड्रॉ करना शुरू किया। और ये जो विड्रॉल था, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं आया है। इसका इम्पैक्ट अच्छा क्यों नहीं आया है, क्योंकि एक क्राइसिस सिचुएशन डेवलप हुई है। जो आल्टरनेटिव स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो बड़ा डिफरेंट है। उस आल्टरनेटिव, जैसे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, आप लोग उससे परिचित होंगे। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की कार्य प्रणाली आप लोगों ने देखी है क्या है? हम लोग तो चूंकि रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं उसका, और उसको मान्यता से लेकर के तमाम सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कुछ मैं उसके एग्जाम्पल्स आपको बताऊँगा कि जो हायर एजुकेशन का ये नेटवर्क बढ़ा है, इसका वॉल्यूम बढ़ा है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़े हैं, लेकिन किस तरीके से उसका प्रभाव नेगेटिवली इस समय देखा जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। तभी हम क्वालिटी और क्वांटिटी की जो डिबेट है, जो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है पर क्वालिटी डिटेरिएट कर रही है, उस पूरी फिनोमेना को हम समझ पाएंगे। अभी आप देखिए, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स बढ़ गए हैं, लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं है, उनको आप एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते। अगर आप उनको 10 सवाल पूछ लीजिए अभी, तो वो 10 सवाल में से एक सवाल अगर बता दें, वही बहुत बड़ी बात। तो एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं है, डिस्पाइट हैविंग डिग्रीज दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एनीवेयर। तो ये एक बड़ी समस्या है।
ये क्राइसिस क्यों पैदा हो रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस हेल्थ और एजुकेशन जैसे एरियाज़ में भी बढ़ा है, जो पूरी तरीके से प्रॉफिट ओरिएंटेड होता जा रहा है। अब ये जितने भी स्कूल्स खुल रहे हैं आप, दे आर ऑल प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये एक इंडस्ट्री हो गई, उद्योग, और जो भी विद्यार्थी है वो उसका प्रोडक्ट है। इट हैज़ नाउ टर्न्ड इनटू अ बिग इंडस्ट्री, एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ, एंड दिस इंडस्ट्री इज एंड द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आउट, दे आर कमिंग आउट एज प्रोडक्ट्स, दे शुड बी आइडेंटिफाइड एज प्रोडक्ट्स। तो ये जो पूरा सिस्टमिक चेंज है, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है जिसको समझने की आवश्यकता है, और तब हम सिनेरियो पर विचार कर पाएंगे। एजुकेशन सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और पूरा युवा वर्ग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। चूँकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो हर जगह उसको लिंक करूँगा, मैं सोशियोलॉजिकली लिंक करूँगा, और यही मज़ा है आप लोगों के लिए, क्योंकि अलग अलग विषय के टीचर आ रहे होंगे तो उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। अभी आज सवेरे जो स्पीकर थे हमारे, वो दूसरे ओरिएंटेशन से बोल रहे होंगे, मैं दूसरे ओरिएंटेशन से बोल रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल साइंस का आदमी आएगा तो दूसरे ओरिएंटेशन से बोलेगा। तो यही इस तरीके के कोर्सेज में अच्छा है कि आपको डाइवर्स ओपिनियन सुनने को मिलता है। कंज्यूमरिज्म तेज़ी से बढ़ा है और ईएमआई इकॉनमी बढ़ी। ईएमआई इकॉनमी का मतलब समझते हैं आप लोग, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, पूरा का पूरा कल्चर चेंज हुआ है। तो ये ईएमआई इकॉनमी क्या है, जैसे अभी कोई पहले लोग घर वर्क से जो बनवाते थे, जब 40-50 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाती थी तो लोग प्लान करते थे कि अब घर बनवाना है। अब फ्लैट जो है, अगर कोई लड़का इंजीनियर है तो एम्प्लॉयमेंट के 3 साल पहले जो पहला काम वो करता है वो फ्लैट कहीं भी करा लेता है, एक गाड़ी भी लोन पे ले लेगा अगर दहेज में नहीं मिली है तो, और उसके सैलरी का एक बड़ा पार्ट जो है वो उस ईएमआई में जाता है। तो इसको हम कहते हैं ईएमआई इकॉनमी, पासपोर्ट इकॉनमी भी कहा जा रहा है आजकल। आप अभी दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहाँ पर मैक्सिमम जो अच्छे लड़के हैं वो आपको पता चलेगा एक पासपोर्ट लेके बाहर, ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं, वो बाहर जा चुके हैं। तो पूरा का पूरा ये जो 90 के बाद का दौर है, ये पासपोर्ट इकॉनमी का दौर भी आप कह सकते हैं, खास करके उन लड़कों के लिए जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी सही में है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो एक जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है वो भी बहुत इस 2 दशकों में बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन इनसिक्योरिटी यूथ में बढ़ी है, इनसिक्योरिटी बढ़ी है क्योंकि बड़ा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया है, और स्टेट जो कि वेलफेयर स्टेट था वो वेलफेयर स्टेट उस तरीके से रहा नहीं है, उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है, तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया से विड्रॉ कर रहा है स्टेट। और मार्केट इकॉनमी चूँकि जो न्यू लिबरल इथॉस और आइडियोलॉजी है वो ये मान के चलता है कि स्टेट नहीं, इनफैक्ट इट इज़ द मार्केट, वो बाज़ार है वो जो तमाम तरीके की समस्याओं का सोल्यूशन अपने आप पैदा कर देता है। तो राज्य उतना प्रभावकारी उसमें नहीं है, ज़्यादा प्रभावकारी कौन है, मार्केट अपने आप चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्रिएट करता है अपने तरीके से। तो इस तरीके के दौर में चूँकि भी हम चल रहे हैं, तो एजुकेशन का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें भी हम ये पाते हैं कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन इसमें बढ़ा है और स्टेट विड्रॉ कर रहा है अपने आप को, उसके एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको दूंगा। जैसे ऑटोमेशन, हाँ वही हम बात करना चाहते हैं, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में जो यूथ है और जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम आपका है वो सब एक चेंज के दौर से गुजर रहा है। तो ड्रकर ने 1993 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, वो कोट कर रहा हूँ मैं आपको, द ग्लोबल वर्कर्स आर इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप इनटू टू वाइडली डाइवर्जेंट एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज, नेमली नॉलेज वर्कर्स एंड सर्विस वर्कर्स। दो तरीके के लोग पैदा हो रहे हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम से हमारे, एक तो नॉलेज वर्कर्स और दूसरे सर्विस वर्कर्स। द नॉलेज वर्कर्स कैन बी रैपिडली ग्लोबलाइज्ड एंड बिलोंग टू हाई इनकम ग्रुप्स। जो नॉलेज वर्कर हैं वो आम तौर पर हाई इनकम ग्रुप के हैं जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, जैसे इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपके हैं। और ये जो नॉलेज वर्कर्स हैं, जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम का आउटपुट नॉलेज वर्कर के रूप में बाहर आ रहा है, वो सेंटर्ड कहाँ हैं, या तो बड़े बड़े शहरों में
और या तो विदेशों में। बहुत बड़ा सेक्शन हमारा जो जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम का जो आउटपुट नॉलेज वर्कर्स के रूप में हो रहा है वो मैक्सिमम जो उसका एकदम क्रीमी लेयर है वो क्रीमी लेयर तो देश के बाहर चला जाता है और जो बचता है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में केवल आप उनको ज़्यादातर पाएंगे। ज़्यादातर द नॉलेज वर्कर्स कैन बी रैपिडली ग्लोबलाइज बिकॉज दे हैव केपेबिलिटी, दे हैव द पावर ऑफ लैंग्वेज। और अगर बोर्डियो के वर्ड्स को यूज़ करें, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है, तो कहते हैं उनका कल्चरल कैपिटल बहुत ज़्यादा हाई है। इसके लिए आपको पूरे सोशल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा एक बार कि इसका मतलब क्या है, आगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। द नॉलेज वर्कर्स कैन बी रैपिडली ग्लोबलाइज एंड बिलोंग टू हाई इनकम ग्रुप्स वाइल द सर्विस वर्कर्स आर लोकलाइज एंड हैव लो वेजेस क्रिएटिंग इन इक्वालिटी अमंग टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो जो पूरी की पूरी हमारी एजुकेशन पॉलिसी इस समय है उससे हो क्या रहा है कि दो तरीके के लोग निकल रहे हैं उससे आउटपुट के रूप में। एक तो नॉलेज वर्कर्स जो बहुत अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअली साउंड हैं और नया तरीके का ज्ञान उनके पास है। उस तरीके का ज्ञान उनके पास है कि इस हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करें, ये कौशल उनके पास होता है और वो कम्पीट करते हैं, इसलिए वो नॉलेज वर्कर्स हैं। क्योंकि अभी अभी जो सिनेरियो हो कॉम्पिटिशन का, और सर्विस वर्कर्स वो हैं जो जिनके पास वो कुशलता नहीं है, वो कौशल नहीं है, और जो बहुत सिंपल लेवल पे कुछ स्किल्स उनके पास हैं और साधारण काम कर सकते हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें नॉलेज वर्कर्स बहुत कम पैदा हो रहे हैं और जो सर्विस वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ये एक बड़ी क्राइसिस है, ये एक बड़ी क्राइसिस है जिसको समझना पड़ेगा हमें, और ये ऐसा क्यों हो रहा है इस पर एक शोध की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिनकी इम्प्लॉयबिलिटी जो ऊपर जो क्रीमी जॉब्स हैं उसमें नहीं, अगर वो बीटेक भी हो जा रहे हैं तो एक बीटेक की तनख्वाह 15,000 रुपये से आजकल की डेट में शुरू हो रही है, 10,000 रुपये से भी, जो तमाम सारे ये अलग अलग लोकल एरियाज़ में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं उसमें जो लड़के पढ़ रहे हैं तमाम सारा डोनेशन दे करके, उनको अगर आप एम्प्लॉयमेंट सीख करने वो मार्केट में जाते हैं तो 10,000 और 15,000 पे नौकरियां वो कर रहे हैं। मैं जानता हूँ पर्सनली बहुत सारे, चूँकि हम लोग लड़कों का कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उसके लिए सिफारिश करनी पड़ती है कि उनको 15,000 रुपये की नौकरी मिल जाए। उसी तरीके से जैसे हमारे तमाम सारे PhDs और जो नेट हैं इस समय वो 8,000 से 10,000 रुपये में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सिस्टम पूरा फॉल्टी है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फॉल्टी है, इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत में कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के दौर में जो नॉलेज वर्कर्स हैं वो भारत के बाहर जा रहे हैं और सर्विस वर्कर्स के साथ एक और ख़तरा पैदा हो रहा है। वो ख़तरा ये है कि ऑटोमेशन के इस दौर में उनके सामने अब उनकी वो भी नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया। हमने इसीलिए पहले ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया। अब कुछ ऐसे हाँ तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली अब आप देखिए 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 इसीलिए तो हमने कहा ना कि हम इस पूरे सिनेरियो को सोशियोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे अभी। कि एक तो जैसे आपने बताया कि एक तो पहले ही नॉलेज वर्कर्स जो हमारे हैं उनकी संख्या सीमित है, कम है वो। अब 15,00,000 लड़के अगर बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में और IITs में 10,000 लोग चयनित हो रहे हैं, जो बाकी के बचे वो इतने सारे जो ये सेल्फ फाइनेंस टाइप के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं इसी में नौकरियां पाते हैं, अरे सॉरी एजुकेशन सीख करते हैं। तो एजुकेशन सीख जहाँ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जो टीचर्स की क्वालिटी है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस तमाम सारे खुले हुए हैं इसलिए। अब उन मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको नंबर ऑफ केसेस ही नहीं मिल रहे हैं कि किस तरीके का एक्सपोजर होना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। पेशेंट से मुलाकात ही उनकी कम हो पा रही है तो वो कैसे डॉक्टर बनेंगे और उनकी इम्प्लॉयबिलिटी और परफॉर्मेंस क्या होगा? ऐसा तो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, चूँकि हम लोग को अभी तो 2 घंटे साथ रहना है करीब, तो ये डिटेल में इस पर अभी एक एक इसके डायमेंशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे।
जो ऑटोमेशन जिस पे आपने कहा है, ऑटोमेशन नौकरियों को घटा रहा है। आप देखिए जिन ऑफिसेज में अगर फॉर एग्जांपल 50 वैकेंसी हुआ करती थी, धीरे धीरे उसको घटा करके 25 हुई है और 20 से भी काम चल रहा है, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। मैनुअल तरीके से अगर वो काम करते तो उसमें और लोगों की आवश्यकता पड़ती है लेकिन अब वो काम कम लोग कर ले रहे हैं उसको। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रैक्टर्स पहले थे, ट्रैक्टर्स पर एक ड्राइवर हुआ करता था, कम से कम उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता था। अब ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स आने वाले हैं जिनमें ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये जो मैनुअल वर्कर्स किसी तरीके से प्रोड्यूस भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन, द नंबर ऑफ जॉब्स इज श्रिंकिंग, वो संख्या कम होती जा रही है। ये पूरे सिस्टम के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो उसको ये पाएंगे आप। 2017 में देयर वर मोर देन 517 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, 517 से ऊपर विश्वविद्यालय हैं लगभग, ये सही आंकड़ा होना चाहिए, और 26,000 कॉलेजेस इस समय ऑपरेट कर रहे हैं पूरे देश में। 517 विश्वविद्यालय, तमाम सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और 26,000 कॉलेजेस, ये संख्या तो बड़ी लग रही है ना। इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा आना चाहिए, बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है कि इतनी सारे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और आपका पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सिस्टम है। चाइना और यूएस को अगर आप छोड़ दें तो थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम है ये एजुकेशन सिस्टम। तो आइडियली तो उसका आउटपुट आना चाहिए, बहुत बेहतर, पर इसका आउटपुट है क्या? विद लार्जर प्रपोर्शन 65% कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन इसमें करीब करीब 65%, ये जो आंकड़ा अभी मैंने आपको बताया 26,000 कॉलेजेस का लगभग और 517 विश्वविद्यालयों का, अगर पूरे को अगर जोड़ लेते हैं तो उसका लगभग 65% किससे गवर्न हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर से गवर्न हो रहा है। आमतौर पर पहले जब हम हायर एजुकेशन की बात 90 के पहले करते थे तो ये पूरा का पूरा जितना भी, अगर ये आंकड़ा कम भी होता तो ये सब गवर्नमेंट करता था। ये एक चेंज है ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, ये सबसे बड़ा परिवर्तन आया है कि प्राइवेटाइजेशन। आप देखिए डिस इन्वेस्टमेंट का दौर चला, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दौर चला, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस को ले आ रहा है इकॉनमी में, एजुकेशन सिस्टम में। तो एजुकेशन सिस्टम में इसलिए क्योंकि ये जो 65% इसमें से है पूरा एजुकेशन सिस्टम आपका, वो तो प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है या इंडिविजुअल्स रन कर रहे हैं। वहाँ राज्य की भूमिका इतनी है कि वो खाली नियम बनाते हैं, उसको चलाने और उसके ओनरशिप दोनों का काम किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है। दिस अ बिग चेंज और दस मोस्ट क्रूशियल चैलेंज नाउ इज टू इंश्योर क्वालिटी विद इन द फ्रेमवर्क। अब ये पूरा इतना बड़ा जो ढांचा है इसमें हम क्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय हायर एजुकेशन सिस्टम के सामने देखी जा रही है। जहाँ पर 65% पूरी व्यवस्था निजी लोगों के हाथ में है और ये निजी लोग हमेशा उसको सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। ऐसे बहुत कम कॉलेजेस आप देखेंगे जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, वैसे बहुत कम, वो केवल गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं। अदरवाइज अगर कोई कॉलेज खोलता है अब की डेट में या स्कूल खोलता है तो उसका जो प्राइमरी मोटिव होता है 90% केसेस में वो प्रॉफिट मेकिंग है, और यही मार्केट इकॉनमी का सिस्टम है, बाजार अर्थव्यवस्था है। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें स्टेट को हमेशा इंटरवेंशन अपना बनाए रखना चाहिए, नहीं तो उसमें तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और यही दिक्कतें हम भी देख रहे हैं। दस द मोस्ट क्रूशियल चैलेंज इज नाउ टू इंश्योर क्वालिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी by all its stakeholders along with fulfillment of the goals relating to expansion, equity and empowerment. Education kya karta hai? Education society mein equity paida karta hai, samanta le aata hai, barabari paida karta hai. Despite category existence of categories like gender, categories like minority aur aise tamam sare hamare सेक्शंस हैं सोसाइटी के जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, मुख्यधारा में नहीं है, जिनको हम वीकर सेक्शंस कहते हैं, जिनके लिए राज्य ने प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिनके लिए राज्य ने स्पॉन्सर्ड सोशल मोबिलिटी के कार्यक्रम बनाए हैं, ऐसे सेक्शंस को हम वीकर सेक्शन कहते हैं।
आपने अगर संविधान का आपने अध्ययन किया होगा तो बहुत सारे अनुच्छेद हमारे संविधान के ऐसे हैं जो उसके अंदर इस तरीके से रख दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में, कि वो इंश्योर करें कि आपके समाज में जो लोग मुख्य धारा में नहीं हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, जैसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, अल्पसंख्यक हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। अब इस नए एजुकेशनल फ्रेमवर्क में जहाँ 65% के आसपास जो संस्थाएँ चल रही हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, उसमें इन सब वीकर सेक्शंस को और मार्जिनलाइज सेक्शंस को, सीमांत सेक्शंस को, उनके अधिकार कैसे सुरक्षित किए जाएंगे और उनके लिए एजुकेशन जिसका सबसे प्राइमरी मोटिव इक्विटी लाना है समाज में, समानता पैदा करना है समाज में, वो क्या स्थिति अब यहाँ पैदा होगी? उस एजुकेशन सिस्टम का गोल, जिसका गोल क्या है, एक्सपेंशन इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, विस्तार तो हो रहा है क्योंकि जहाँ कुछ चंद कॉलेजेस थे, कुछ 100 कॉलेजेस, वहाँ 26,000 कॉलेजेस आज हैं। जहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज थी, यूके में आप देखिए मुश्किल से 25 यूनिवर्सिटीज़ थी पहले। इतना बड़ा देश है, हम कहते हैं वहाँ पर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और क्या क्या बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटी सिस्टम जो एक्सपैंड किया है वो 20 सालों में किया है मेनली। तो पूरे ग्लोबल लेवल पे हमें एजुकेशन सिस्टम को देखना और समझना पड़ेगा। तो तीन जो इसके बड़े गोल्स हैं, एक्सपेंशन, इक्विटी और एम्पावरमेंट, वो एम्पावरमेंट कहाँ तक हो पा रहा है वीकर सेक्शंस का, कितना एम्पावरमेंट हो पाया है, सशक्तिकरण कितना हो पाया है, चाहे महिलाओं का अगर आप देख लें, चाहे आप विकलांगों का देख लें, चाहे आप शेड्यूल ट्राइब्स का देख लें, चाहे शेड्यूल कास्ट का देख लें, एम्पावरमेंट ऐसा नहीं कि ज़ीरो है, द लेवल इज़ नॉट ज़ीरो, बहुत परिवर्तन आया है। भारत 12 से ऊपर हमारा इतना 5-ईयर प्लान से लेके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और एजुकेशन सिस्टम में लगातार इतना ज़्यादा मदद सरकार ने दी है कि अब वो सिचुएशन नहीं है जो 1947 में थी, बहुत बड़ा परिवर्तन आया हुआ है। लेकिन ये परिवर्तन किस लेवल पे इक्विटी ले आ रहा है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, इसी पे यहीं पे एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि हमने अभी कहा कि किसी भी फेनोमेना को अगर आपको समझना है तो आपको अलग अलग कालखंडों में उस फेनोमेना को देखना पड़ेगा। जैसे आज़ादी के पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, आज़ादी के पहले का एजुकेशन सिस्टम क्या था? वो पूरी की पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के हाथ में था और बहुत चुनिंदा लोगों को हायर एजुकेशन मिलने का अवसर प्राप्त होता था। हमें याद है कि हमारे घर में एक ग्रेजुएट थे, तो उनको जब वो ग्रेजुएशन किए तो कई गांव से लोग उनको देखने आए थे। कई गांव से बीए पास करने पे लोग देखने आते थे, वो दौर था। और तब नौकरियां हाई स्कूल पास करने में मिल जाया करती थी, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां, अगर 10th पास कर लिया आपने तो बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाती। उसके बाद का जो दौर आया वो आज़ादी के बाद का दौर आया है, जब आपके ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ी। अब तो इतने सारे ग्रेजुएट हैं कि ग्रेजुएट का मतलब ही कुछ नहीं होता है, हैं? तो एक्सपेंशन तो हुआ है, इक्विटी कितनी पैदा हुई है इस पर एक सवालिया निशान है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जैसे कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या है? जब बॉर्डरलेस इकॉनमी का दौर शुरू होता है तो बॉर्डरलेस इकॉनमी के दौर में इंटरेक्शन बढ़ता है, वो वर्चुअल लेवल पे भी बढ़ता है और ऑब्जेक्टिव लेवल पे भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ विदेशों में हैं इस समय, और विदेशों की स्थिति ये है कि भारतीयों को जल्दी बुलाना नहीं चाहते हैं वो सब। वो इसलिए नहीं बुलाना चाहते हैं कि एक बार आ गए तो जाएंगे नहीं। आप कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए अभी, अगर आप लोग 4 लोग अप्लाई किए एक परिवार के, उसमें 2 को नहीं देंगे, 2 को दे देंगे सब, अगर कोई वैलिड रीज़न है तो भी। क्योंकि तमाम ऐसे भारतीय, हिम्मती भारतीय रहे हैं, जैसे हमारे एक जानने वाले थे, वो अमेरिका गए तो अपना पासपोर्ट फेंक दिया उन्होंने कि अब यहाँ से वापस नहीं जाना है। कुछ दिन जेल में बंद हुए, कहे कोई दिक्कत नहीं है, बंद हो गए निकालेंगे ही, फिर अब भेजेंगे कहाँ जब कुछ है ही नहीं। कुछ दिनों बाद नागरिक हो गए वो और अमेरिका में रहने लगे। तो ये भारतीयों की संख्या, चाइनीज़ दुबई, अभी मैं गया था, एक एकेडमिक असाइनमेंट था,
तो पता चला कि 14% लोग केवल वहाँ के लोकल लोकल लोग हैं, बाकी 44% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडियन पॉपुलेशन। अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान और इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग रहे हैं, 86% जो आबादी है वहाँ पे जो शहर को चला रही है वो बाहरी लोग। तो ये सब इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अगर ग्लोबलाइजेशन को हम अलग अलग तरीक़ों से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, आप इसको ज़रा कनेक्ट कीजिए अपने भारत के लोगों से और ख़ास करके वो सेक्शंस जो मुख्य धारा में नहीं हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके सीमांत सेक्शंस हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनकी स्थिति यह है कि लोअर कास्ट के लोग कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को फेवर करते हैं। तमाम सारे अध्ययन समाजशास्त्रीय अध्ययन हैं जो ये बताते हैं कि दे फेवर कल्चरल ग्लोबलाइजेशन बट दे अपोज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, एंड द अपर कास्ट पीपल दे फेवर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बट दे अपोज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये, आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, कोई इस पर अपना ओपिनियन जाहिर करेगा। मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि भूमंडलीकरण के इस दौर को, जो आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है, उसको उच्च जातियाँ भारत की और उच्च वर्ग समर्थन देते हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक भूमंडलीकरण नहीं चाहते। पर जो दलित सेक्शन है वो सांस्कृतिक भूमंडलीकरण तो चाहता है लेकिन आर्थिक भूमंडलीकरण नहीं चाहता है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कहीं की है वो भूमंडलीकृत हो। अगर वो भूमंडलीकृत होगी तो जो, चूँकि ये पीरियड ऑफ हाई मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी का फेज़ नहीं है, मॉडर्निटी का फेज़ तो अभी हमारा चल, हालांकि अब तो उत्तराधुनिकता की बात हो रही है, अभी उसमें भी हम लोग बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म पे, अब तो हम पोस्ट मॉडर्न दौर की बात कर रहे हैं और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। इसमें जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब होगा कि वहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स जो थे, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, सॉवरेंटी, ये जो आइडियल्स हैं, रैशनैलिटी, साइंटिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब अगर कल्चरल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन होगा तो ये वैल्यूज़ आएंगी, और जब जब वैल्यूज़ आएंगी तो जिस तरीके का हायरार्किकल सोसाइटी इंडिया है, जो जिसको हम संस्तरण कहते हैं, जिसमें हायरार्की चैलेंज ही नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट स्ट्रेटिफिकेशन, ये स्तरीकरण नहीं है, ये हायरार्की है, इट इज़ नॉट स्ट्रेटिफिकेशन, इट इज़ हायरार्की, एंड यू कैन नॉट चेंज हायरार्की बिकॉज इट इज़ सपोर्टेड बाय द कल्चरल इथॉस ऑफ दैट कंट्री। अब ब्राह्मण उच्च स्थिति में रहेगा और नीचे की जातियाँ नीचे की स्थिति में रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन कल्चरल लेवल पे नहीं आ सकता। स्ट्रक्चरल लेवल पे भले आ जाए कि जो नीचे की कास्ट है वो उसके बराबर धनी हो जाए, नहीं नहीं, आप कास्ट कैसे बदलेंगे, आप कास्ट कैसे बदलेंगे, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। कल्चरल ग्रुप देखिए, वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वालिटी की वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो जो वहाँ की वैल्यूज़ हैं और यहाँ की हायरार्कीज़ की वैल्यू क्लैश करेंगी। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था क्या खत्म हो रही है, बताइए कितने इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, प्रतिशत क्या है उनका, हाँ तो 91% तो उसका इम्पैक्ट 99% पॉपुलेशन तो दूसरे तरीके की है ना। अरे बढ़े आगे बढ़ेगा ना, अभी वर्तमान हम 2019 की बात कर रहे हैं, हम 2040 का जब प्रेडिक्शन करेंगे तो अलग करेंगे कि 2050 का भारत कैसा होगा, इस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो बात की चीज़ है, अभी जहाँ तक हम देख रहे हैं वहीं तक बात कर रहे हैं, हम आज में डिस्कस कर रहे हैं जो बीता हुआ हमारा समाज अभी है वहीं तक अगर आपने आपको आप सीमित रखेंगे तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि जो हायरार्की है वो चैलेंज होगी, क्योंकि मॉडर्न वैल्यू हायरार्की को स्वीकार नहीं करती, स्ट्रेटिफिकेशन को तो करती हैं क्योंकि उसमें मोबिलिटी होती है, उसमें सामाजिक गतिशीलता है, नीचे से ऊपर जाने की संभावनाएँ हैं। इसको आप देखिए, इसीलिए रेसिज्म ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, जो नस्लवाद था वो नस्लवाद पूरे वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को चुनौती मिलती जा रही है, रेसिज्म को, क्योंकि ये मॉडर्न वैल्यू नहीं है।
आप ब्लैक और वाइट का डिस्टिंक्शन आप नहीं कर सकते हैं, और शायद इसी को प्रमाणित करने के लिए अमेरिका का पहला ब्लैक राष्ट्रपति हुए। तो जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन अगर होगा तो वहाँ दलित भी कहेगा कि हम बराबर हैं, अगर वो उन तरीके की लाइफ स्टाइल को फॉलो करेगा तो वो कहेगा कि हम ब्राह्मण से नीचे क्यों, सब बराबर हैं, ब्लैक्स एंड वाइट्स आर इक्वल। बट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को वो सपोर्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो कल्चरल कैपिटल उसके पास नहीं है, वो एजुकेशनल कैपिटल उसके पास नहीं है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में वो उस तरीके का स्किल अर्जित कर सके, तो वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। अगर कम्पीट नहीं कर पाएगा तो वो उसको आर्थिक रूप से मार देगा। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर, इट इज नॉट प्रूविंग टू बी गुड फॉर द पीपल हु आर नॉट इकोनॉमिकली इक्विप्ड एंड हु डोंट हैव गुड एजुकेशन। अगर उतनी कॉम्पिटिटिव शिक्षा आपके पास नहीं है और उतना कल्चरल कैपिटल आपके पास नहीं है, तो भूमंडलीकरण के इस दौर में वो सेक्शंस जो नीचे हैं उनका सर्वाइवल बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि वेलफेयर स्टेट मजबूती से खड़ा रहे। वेलफेयर स्टेट जब खड़ा रहेगा तो सब्सिडी इकॉनमी चलती रहेगी। ये सब्सिडी इकॉनमी, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ मॉडर्न न्यू लिबरल सिस्टम। वहाँ पे सब्सिडी को घटाने की बात और ख़त्म करने की बात हो रही, इसीलिए तो कह रहे हैं स्टेट श्रिंक कर रहा है। Listen, it is contextual. It is a contextual question. I told you, the people who are not in the mainstream, who are facing the problem of hierarchical division in society, they will never favor cultural globalization. They will favor cultural globalization because it will bring equality in society. Equality at socio-cultural level. But economic globalization is creating a threat for people who are not in the mainstream. Because they don't have cultural capital, they don't have educational capital. And if you don't have educational capital, then you will not be able to survive in this competitive environment which is being created by the forces of globalization. वहाँ पे problem create हो जाएगी। तो इसलिए तो दलित जातियाँ हैं जो अध्ययन हमारे सामने आ रहे हैं वो सांस्कृतिक भूमंडलीकरण का समर्थन करती हैं और आर्थिक भूमंडलीकरण का विरोध करती हैं, और जो उच्च जातियाँ हैं चूँकि उनके पास कल्चरल कैपिटल है, एजुकेशनल कैपिटल है, वो कम्पीट कर सकते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली नॉलेज वर्कर्स, दे आर नॉट सर्विस वर्कर्स। वो मैक्सिमम तबका नॉलेज वर्कर्स का है जो बाहर विदेशों में जाकर करके भी अपने आप को सर्वाइव कर जाएंगे, तो वो इसलिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी जो हायरार्किकल पोजिशन में ऊपर की स्थिति वो चैलेंज हो जाएगी, तब वहाँ समानता की बात आएगी, ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ये कहा जाएगा सब बराबर। तो द कंसेप्ट ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, लुई ज्यूमा की किताब आप याद कीजिए, होमो हायरार्किकस से किताब भी उन्होंने लिखी है कि इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन। द पीपल हु आर हैविंग मोर ऑफ द प्यूरिटी एलिमेंट दे आर अपर कास्ट पीपल एंड दे आर ऑन द हायर एंड ऑफ द लैडर, while the people who don't have that purity element or rather they are more towards pollution, they are lower caste people and they are low in the ladder of hierarchy. To ab yahan dikkat ho gayi, yahan par jo economic globalization hai usko lower caste virodh karegi, upper caste usko samarthan degi kyunki wo us hierarchy ko maintain karna chahti hai, wo usme uch sthiti pe hain, lekin dusri taraf dalit jo hai wo is hierarchy ko break karna chahti hai, पर चूंकि उसके पास एजुकेशनल स्किल्स नहीं हैं तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का विरोध करेगी क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बिना एजुकेशनल स्किल के वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी मेजर बात इस पर आप लोग सोचिएगा, एज अ टीचर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस दैट आई कैन गिव अभी इस टॉपिक से लिंक, जिस पर आपको मंथन करने की आवश्यकता है क्योंकि भूमंडलीकरण एक सत्यता है, और जबकि हम बात कर रहे हैं तीसरे ही वर्ष में, 90 से शुरू किया, 2019 चल रहा है और आज रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलिज्म की बात हो रही है, रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। अमेरिका अपने आप को बंद कर रहा है, इंपोर्ट ड्यूटीज को हम बढ़ाएंगे, चाइना का विरोध करेंगे, रीज़न क्या है?
आप वहाँ के लेबर फोर्स की एनालिसिस कीजिए जो डेवलप्ड वर्ल्ड था, इट वाज अ फेज ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म बेसिकली. आप पूरी कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए तो कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री क्या है, व्हाई देयर वर कॉलोनीज, देशों को गुलाम क्यों बनाया जाता था. क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं रिकार्डो एडम स्मिथ, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कॉलोनीज वे मेड जस्ट बिकॉज दे वॉन्टेड रॉ मटीरियल फ्रॉम दैट एरिया, चीप लेबर, एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड मार्केट्स फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट दे आर क्रिएटिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपना गुलाम बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि वहाँ के क्षेत्रों में जो भी रॉ मटीरियल्स हैं वो उनको फ्री में मिलें, चीप लेबर मिले, चीप लेबर, लेबर समझिए श्रम, श्रमिक, सस्ते दरों पे. जैसे भारत के लोगों को फीजी भेज दिया जाता था भर भर करके शिप्स में, जाके बस गए फीजी में, कई लाख इंडियंस हैं और वहाँ पे काम कराया जाता था उनसे, देवर लेबर्स, और नए वातावरण में जाके कास्ट सिस्टम ही खत्म हो गया वहाँ. बस 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 सही पकड़ा है आपने एकदम. गिरमिटिया, गिरमिटिया जो मजदूर हैं वो कास्ट सिस्टम वहाँ एकदम ख़त्म हो गया, और अब ब्राह्मण अगर वहाँ है तो रहा होगा 200 साल पहले, और जो नीचे की जात का है वो भी बैठ के उसी शिप में गया, तो सब प्योरिटी पॉल्यूशन ख़त्म हो गया सर. दो महीने तक एक साथ एक छत के नीचे रहना पड़ता था, छोटी सी जगह में एक साथ खाओ, एक साथ रहो, एक साथ, तो पूरी प्योरिटी पॉल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है होम वराइटस में वो सब ख़त्म हो गया. तो इसलिए जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम, उस एजुकेशन सिस्टम की डिटेल्स में भी हम जाएंगे अभी और आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो जाएंगे. तो एक्सपेंशन, इक्विटी और एम्पावरमेंट का जो पूरा का पूरा ये गोल है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम का, इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, क्योंकि तमाम सारे लोगों ने आलोचना की कि ये जो इक्विटी क्रिएट होनी चाहिए थी इस नए एजुकेशन सिस्टम से, वो इक्विटी क्रिएट नहीं हो रही. वो इक्विटी, वो जो हायरार्की वो बढ़ती जा रही है. हायरार्की कह रहे हैं मतलब अब नीचे और ऊपर का जो डिवीजन था वो बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ ही साथ एम्पावरमेंट हुआ तो ज़रूर है, लेकिन कितना रियल एम्पावरमेंट हुआ है ये भी डिबेटेबल इशू है. तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो आउटकम है उस पर हमें विचार करना होगा. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये 26,000 कॉलेजेस जिनका आंकड़ा अभी हमने आपको दिया है, उसमें तमाम सारे, बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं. अभी मैं वाइस चांसलर से मिल के आ रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बुलाया था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 610 के आसपास स्टेट इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं. 610 गोरखपुर विश्वविद्यालय जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, 350 से ऊपर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस और एडेड कॉलेजेस हैं एक यूनिवर्सिटी के अधीन. अधीन क्या, एफिलिएटेड. सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय, हम लोग तो चूंकि अलग अलग विश्वविद्यालयों में लगभग रोज रहते हैं, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की स्थिति यह है कि लगभग 400 कॉलेजेस हैं उसके पास जो उसके एफिलिएशन में हैं. कितनी बड़ी संख्या पैदा हो रही, केवल उत्तर प्रदेश के जो तमाम 16-17 बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एफिलिएशन अगर आप देखें और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस को देखें तो इनटू 300 आप मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं. 400 कॉलेजेस को एक यूनिवर्सिटी गवर्न करती है, एक तरीके से एफिलिएशन देती है, वहाँ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, वहाँ का करिकुलम डिज़ाइन करती है, वहाँ पर एडमिशन्स कराती है और एक तरीके से उनको रेगुलेट करती है. लेकिन उन 350 सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की हालत हम लोग देख रहे हैं, रोज पैनल इंस्पेक्शन हम लोग जाते हैं, रोज मान्यताएं देने जाते हैं, और जब कॉलेज में पहुँचते हैं तो पता चला कि जो पुस्तकालय है उसकी जगह कुछ मैगजीन्स रखी हैं, घर की अखबार कुछ रखे हुए हैं पुराने, उठा लीजिएगा तो पता चलेगा 2017 का अखबार रखा हुआ है, ऐसे कि वो नया है क्योंकि केवल फ़ोटो खींचनी है. और उन सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जिनके जो हमारा जो हमको आंकड़ों में ऐसा लगता है कि इसकी वजह से भारत सशक्त हो रहा है, इतने सारे कॉलेज और स्कूल्स खुल रहे हैं, लेकिन पूरे 350 कॉलेजेस मैं इंडिविजुअली जानता हूँ, लगभग सभी कॉलेजेस को जानता हूँ क्योंकि अधिकतर कॉलेजेस में जा चुका हूँ किसी न किसी रूप में, उसमें से मुश्किल से 10 ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ सही में पढ़ाई ठीक से होती है.
मैक्सिमम जगहों पे अगर आप देखेंगे तो दिक्कतें हैं, और वो दिक्कतें किस तरीके की हैं कि जो एक्चुअल टीचर्स हैं दे आर नॉट देयर। हम लोग टीचर सिलेक्शन करने जाते हैं, पता चला कॉलेज पे गए तो कोई दूसरा चेहरा जिसको अपॉइंट करके आए थे वो कोई दूसरा था, वहाँ पे दिखा नहीं। लाइब्रेरीज की पोजीशन क्या है कि एक विषय की एक अलमारी लगी हुई है, अगर आप वहाँ पे गए तो आप पाएंगे कि अलमारी एक भरी हुई है, कहीं पर तो वो भी नहीं मिलेगा आपको, तो ऐसे जगहों को हम लोग रिजेक्ट करके चले आते हैं। और अगर कहीं मिला तो बहुत ही नॉर्मल किताबें, और उनका सीधा वाक्य ये होता है कि अरे गांव में पढ़ेंगे कैसे अरे। तो आंकड़े तो आपके बढ़ गए, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई, कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई, और स्थिति क्या है, ये क्या क्या सोच करके इसको शुरू किया गया था, ये इतनी बड़ी व्यवस्था शुरू हुई है तो इसका रूट कहाँ पे है ये आप लोग को जानना चाहिए। हायर एजुकेशन सिस्टम से चूँकि आप लोग जुड़े हुए हैं और तमाम विद्यार्थियों से आप लोग रोज़ाना इंटरेक्शन करते होंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा ताना बाना क्रिएट हुआ है ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। द रिफॉर्म्स ऑफ द अर्ली 1990s हैव रिजल्टेड इन फ्रीजिंग द पब्लिक फंड्स टू मैनी इंस्टीट्यूशंस एंड स्टैग्नेटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसका सीधा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 1990 के बाद का जो परिवर्तन है टी ब्रेक, अच्छा हाँ टी ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ कोई सवाल पूछ रहे थे आप, तो सवाल पूछ रहे थे आप, हाँ बताइए क्या क्वेश्चन देखिए। इसमें पहले ही हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो जो चेंजेस हैं वो सरकार के पॉलिसी के लेवल पे लिए गए। अब जैसे अभी अभी आपको आपका आपका आंसर अब मैं शुरू कर रहा हूँ, चलिए। एक्शन बहुत सारे लिए गए हैं, एक्शन इस तरीके से लिए गए हैं कि बहुत एग्जामिनेशन सिस्टम को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई। पहला स्टेप तो ये लिया गया है, जैसे हर रूम में ये माइक्स वॉइस रिकॉर्डर्स लगे हुए हैं, हर कमरे में वीडियो कैमरे लगे हुए हैं जिससे कि ये देखा जा सके कि वहाँ पे नकल हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसकी वजह से आपको जान के आश्चर्य होगा कि 50% जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं वहाँ। अगर नकल नहीं करने दी जाएगी, सख्ती की जाएगी, तो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स घटेंगे। हाँ बताइए। नहीं, चीटिंग बहुत कम हो गई है। हम लोग देखिए, हम लोग के पास प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, चीटिंग बहुत कम हो गई है और इतनी कम हो गई कि अब शायद फ्लाइंग स्क्वाड्स की ज़रूरत ही ना पड़े, इतनी कम हो गई है। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट अभी तक था, जो एक तरीके से सिस्टम था कि डिग्रियाँ एकदम आसानी से मिल जाया करती थी, कोई बहुत ज़्यादा उसमें एग्जामिनेशन सिस्टम में फ्लॉस उस समय थे, नकल हुआ करती थी, तो वो चीज़ जैसे ही उस पर अंकुश किया गया है उसका सीधा इम्पैक्ट ये है कि जो वो लड़के जो अभी तक ये मान के चलते थे कि उनको डिग्री कॉलेज से मदद मिल जाएगी, वो मदद अब नहीं मिल पा रही है, और उस शक्ति की वजह से जो नंबर ऑफ़ एडमिशन्स हैं वो घट गए। अब देखिए थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना कम हो जाता है कि वो अगर बहुत वो 2-10% अगर चल ही रहा होगा तो कहाँ क्या स्थिति थी और कहाँ क्या स्थिति हो गई। नहीं नहीं हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। नहीं नहीं अलाहाबाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो अभी कंडीशन वहाँ पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी की है, अभी जो कंडीशन सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी की है, वहाँ पर तो जो नकल की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा नियंत्रित हो चुकी है। नहीं 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 वो अलाहाबाद का एक केस है, अलाहाबाद का एक केस हुआ है बिल्कुल। नहीं नहीं लेकिन अब देखिए डिजिटाइजेशन की वजह से आप कानून व्यवस्था का जितना इन सभी चीज़ों को टेक्नोलॉजी से ही कंट्रोल किया जा सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओनली एंड ओनली टेक्नोलॉजी कैन कंट्रोल ऑल काइंड्स ऑफ करप्शन। जैसे जब से डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन हुआ है जो अमाउंट ऑफ करप्शन है वो बहुत घटा है, आपको उससे सहमत होना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ, एक दो बड़े शहरों का विदेशों में आप देखिए, विदेशों में स्थिति क्या है कि वहाँ आपको पुलिसमैन नहीं मिलेंगे बहुत ज़्यादा, वहाँ सारा पुलिसमैन का काम वो करते हैं वीडियो कैमरे करते हैं, और पूरे के पूरे शहर में या पूरे 5 किलोमीटर के इलाके में आपको 2 सिपाही केवल मिलेंगे। लेकिन अपराध इसलिए नहीं होते हैं कि द मोमेंट अपराध होगा, इतने ज़्यादा कैमरे इंस्टॉल हैं कि वो जो उनका बेसिक रूम होगा वहाँ पे वो तुरंत बीप करने लगा कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उनके इतने तगड़े सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं कि वो तुरंत इंडिकेट कर देंगे कि फलाने एरिया में किसी आदमी ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, और वहाँ तक पुलिस स्क्वाड को पहुँचने मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, नियरेस्ट स्पॉट से वहाँ रश करेंगे वो। तो नियंत्रित टेक्नोलॉजी ही करेगी। आपको मैं बता दूं कि जितने एग्जाम्स हो रहे हैं अब उस वॉइस रिकॉर्डर और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग का, वीडियो 3 घंटे का बना करके उस सेशन का, वो उस कॉपियों के साथ डिस्पैच हो रहा है, ये सब रिफॉर्म्स अब आ रहे हैं। जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। वो धीरे धीरे होगा, देखिए एक दिन में आप नहीं कर पाएंगे, वो आप एक दिन में नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि एक दिन में आपकी 50 साल की व्यवस्था कोई ठीक हो जाए, या डिटेरिएशन जैसे धीमे धीमे हुआ है वैसे ही उसका फिर उसको ठीक करने का प्रोसेस भी धीमे धीमे होगा। भाई देखिए, मैं पहली बात तो मैं जांच एजेंसी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ। ये आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगी जांच एजेंसियाँ हैं कि इलेक्शन में कैसे क्या चीज़ें हो रही है, इसको हम आप बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देखिए, अब मैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस कहाँ से शुरू हुए इस पे आते हैं। द रिफॉर्म्स ऑफ अर्ली 1990s हैव रिजल्टेड इन फ्रीजिंग द पब्लिक फंड टू मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड स्टैग्नेटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। 90 के बाद से एजुकेशन पर जो सब्सिडी, जो तमाम सारा स्टेट का खर्च हुआ करता था वो तेज़ी से घटा है, और स्पेशली जो इस तरीके के सेक्टर्स थे, जो पब्लिक सेक्टर्स जिनको हम कहते थे, या जो एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम अभी तक पूरी तरीके से वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के नोशन पे चल रहा था, वहाँ पर पब्लिक फंडिंग कम हुई है, सरकारी धन का जो व्यय होता था उसका प्रतिशत घटा है। उसकी वजह से दस ऑन द लाइन्स ऑफ कॉस्ट रिकवरी प्रिंसिपल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस वॉज एनफोर्स्ड एज अ डेस्परेट सॉल्यूशन। और अगर सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो अगर घटता है तो ऐसी स्थिति में जहाँ इतनी बड़ी आबादी है और उसको शिक्षित करने का लक्ष्य है तो कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। वो ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? वो ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर यही था कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज शुरू करने पड़ेंगे कॉलेजेस में, और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस शुरू करने पड़ेंगे।
तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस वाज पायनियर्ड बाय डॉक्टर टी एम पाई. सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट आया इसको पायनियर किसने किया था? डॉक्टर टी एम पाई ने किया था. नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्लस ये हु एडवोकेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विप्ड एंड क्वालिटी ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन हायर लर्निंग एट प्लेसेस वेयर कॉलेजेस वर फ्यू एंड इल इक्विप्ड. अब ये देखिए ये टी एम पाई का कॉन्सेप्ट है, नोशन है, उनकी रिकमेंडेशन एक तरीके से है. और उन्होंने सबसे पहले सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज को इस्टेब्लिश करने की बात की थी, क्योंकि उसमें फिर वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज अपने ढंग से ही फंड होंगे और उसमें सरकारी व्यय न्यूनतम स्तर पे होगा. वो सारा का सारा कॉस्ट वो लोग ही बेयर करेंगे जिन लोगों ने उसको शुरू किया है. एक घंटे बाद करो क्लास में, एक घंटे बाद ठीक है. अच्छा, तो इसमें टी एम पाई साहब के रिकमेंडेशन पे ये शुरू हुआ. और आमतौर पर उनका जो तर्क था वो ये था कि ऐसे उच्च कोटि के सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज और इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जाएं जो कि बहुत ही उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्वक जो गुणवत्तापरक जो एजुकेशन हो उसके लक्ष्य को पूरा करें. यूजली पहले इसको मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुरू किया गया. मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट खुले, इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेट खुले, लेकिन धीरे धीरे फिर इसको और एक्सपैंड किया गया और तमाम सारे डिग्री कॉलेजेस भी खुले. तो ये टी एम पाई की कमिटी की रिकमेंडेशन रही है. अब ये जनरल सिस्टम में लागू कर दी गई. तो डिग्री कॉलेजेस, चूँकि इतने सारे डिग्री कॉलेजेस नहीं खोले जा सकते जितने लोगों को हायर एजुकेशन की आवश्यकता इस समय है. हालांकि ये भी एक बहस का मुद्दा है कि हायर एजुकेशन क्या सबके लिए है. इस पर आप सभी लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि कितने लोगों को हायर एजुकेशन एक्चुअली चाहिए, कितने लोगों के लिए, हमें कितने नॉलेज वर्कर्स ऐसे चाहिए जो कि उच्च शिक्षा से युक्त हों. क्योंकि अभी आप विदेशों का पैटर्न अगर देखेंगे तो वहाँ पर हायर एजुकेशन इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, इट इज़ मेंट फॉर पीपल हु डिज़र्व इट, पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन दैट एरिया. ऑल द पीपल आर नॉर्मली नॉट PhDs और पोस्ट ग्रेजुएट्स लाइक वी हैव इन इंडिया. हमको लगता है कि भारत में बड़े बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से ज़्यादा, खैर वहाँ आबादी भी बहुत कम है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं. और पहले ही हमने कहा कि उनके पास वो गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं है कि उनकी इम्प्लॉयबिलिटी नॉलेज वर्कर्स की कैटेगरी में हो पाए. जबकि ये एक्सपेक्टेड है कि अगर वो PhD कर लिया है तो उसको सबसे बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए, टीचर शिक्षक की नौकरी मिलनी चाहिए, रिसर्चर की नौकरी मिलनी चाहिए. लेकिन आप देख लें कि कितने लोगों को अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट्स मिल पा रहे हैं. यानी सिनेरियो एकदम डिफरेंट है. तो क्या इतने सारे लोगों को उच्च शिक्षित होने की ज़रूरत है कि वो MA, BA और PhDs करें? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना होगा. अब ये पूरा जनरल सिस्टम ऑफ सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जब खुला तो एनरोलमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी डिटेरिएशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिली. इसकी तरफ आपने संकेत किया, क्वालिटी में डिटेरिएशन. क्या क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी हमारी बेहतर हुई है, या जो पहले एजुकेशन सिस्टम हमारा था जिसमें नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स कम थे आज के अपेक्षाकृत, आज से 20 साल पहले वो अनुपात नहीं रहा है, लेकिन तब जो क्वालिटी थी, क्या स्टिल कैन वी मेंटेन दैट क्वालिटी? तब जब ये पूरी तरीके से इसमें सरकारी हस्तक्षेप, बहुत बड़ा हस्तक्षेप हुआ करता था, वो हस्तक्षेप घटा है, तो ये कहीं ना कहीं से एक कोरिलेशन दोनों के बीच में इस्टैब्लिश हो रहा है कि विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस द क्वांटिटी हैज़ इंक्रीज बट द क्वालिटी हैज़ डिटेरिएटेड. ये एक बड़ी चुनौती इस समय उच्च शिक्षा के सामने है, हायर एजुकेशन सिस्टम के सामने है, कि जब हम डिटेरिएशन देख रहे हैं क्वालिटेटिव लेवल पे. इसके जो मेजर प्रॉब्लम्स इस समय हायर एजुकेशन में कुछ हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की 6-7 के आसपास, उसमें मानक से कई गुना प्रवेश एक समस्या रही है, और दूसरी
जिसकी तरफ अभी आपने जिस पर आपने टिप्पणी की, जो प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग और नकल करने की जो समस्या है, अप्रूव्ड की जगह दूसरे लोगों से पढ़ाई कराई जाने की समस्या है, या पठन पाठन का माहौल उतना न होना, और इस सबसे ऊपर जो एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है एजुकेशन में, जो व्यावसायिकता का एलिमेंट आ गया है और प्रॉफिटेबिलिटी का जो एलिमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से उसमें देखा जा रहा है, उसने एक चैलेंज क्रिएट किया है जो एक प्रॉब्लम के रूप में आइडेंटिफाई होना चाहिए, और धीरे धीरे उसकी तरफ हम, उसके सोल्यूशन की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम जब होती है तब उसको विचार होता है और तब उसका सोल्यूशन भी धीरे धीरे निकलता है। तो योग्य शिक्षकों का अभाव भी देखा गया है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर है कि वेतन की समस्या, जिसके लिए लगातार संघर्ष चल रहा है कि जो लोग PhDs और नेट और GRFs हैं, एंड इफ दे आर टीचिंग इन द कॉलेजेस दे शुड गेट प्रॉपर वेजेस। एक लंबी लड़ाई चल रही है, तमाम सारे ऐसे जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो इसके लिए कर रहे हैं, उनका रेगुलराइजेशन होना चाहिए, उनका जो वेतन है उसका, उस पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होना चाहिए, जिससे मोटिवेशन का लेवल उनका बढ़े। हायर एजुकेशन सिस्टम में जो एक बड़ी प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, कि किस तरीके से उनको प्रेरित किया जाए कि पूरी की पूरी व्यवस्था और बेहतर हो, हालांकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है, मोटिवेशन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज़ सम हाउ क्रिएटिंग प्रॉब्लम, बिकॉज इफ यू आर नॉट वेल पेड योर मोटिवेशन लेवल विल बी डाउन एंड योर परफॉर्मेंस लेवल विल ऑल्सो गो डाउन। तो ऐसी दशा में जब दो तरीके के संकट हों आपके सामने, कि आपका भविष्य पूर्णतः सुरक्षित नहीं है और आपकी जो नौकरी है वो एकदम स्थायी नहीं है, दूसरा ये कि अगर आपका वेतन बहुत कम है और आपको पूरी तरीके से जो आपके योग्यता के अनुरूप अगर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो मोटिवेशन का लेवल डाउन होगा, जिससे पूरी के पूरे संस्था का जो भविष्य है और जो फंक्शनिंग है वो अफेक्टेड होगी। इसलिए द क्वालिटेटिव इशू इन हायर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच शुड बी एम्फसाइज्ड अपॉन। वैश्विक स्तर पे जहाँ एजुकेशन का इंटरनलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वह युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नौकरियों के लिए तैयार करती है। अब चूंकि हमने पहले ही आपको बताया और लिंक किया इस फेनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन के साथ, अब यही हायर एजुकेशन सिस्टम है और यही हायर टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे युवाओं को तैयार करता है किसके लिए, वैश्विक स्तर पे जो प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है नौकरियों को लेकर करके, भविष्य को लेकर करके, अपने सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को लेकर करके, यही पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर रहा है हमारे युवाओं को। और अगर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारे युवा इस ग्लोबल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसके लिए कितना इक्विप्ड हो कर करके उस मार्केट में उतर पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार होना चाहिए। आज के इस एनवायरनमेंट में, दैट इज़ व्हाई इन इंडिया मोस्ट ऑफ द हायर एजुकेशन इज प्रोड्यूसिंग सर्विस वर्कर्स नॉट नॉलेज वर्कर्स। ये जो ड्रकर का क्लासिफिकेशन है उसको मैंने एक मॉडल बनाया है यहाँ पे, कि पूरी की पूरी भारत की जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है उसमें अधिकतर सर्विस वर्कर्स पैदा हो रहे हैं, नॉलेज वर्कर्स कम पैदा हो रहे हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ क्वालिटी, इट इज़ जस्ट बिकॉज द इशू ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड PhDs। हाउ मैनी ऑफ देम डिजर्व PhDs? How many of them deserve to become graduates? How many of them in reality deserve to become postgraduates in their respective subjects? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार होना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लेवल पे अगर कोई ग्रेजुएट हो रहा है तो वो उस लेवल की नौकरियों को प्राप्त करने की क्षमता वाकई रखता है या नहीं रखता है। आप तमाम जगहों पे पाएंगे कि भाषा से लेकर करके विषय में उनका ज्ञान इतना सीमित है कि अगर उनको किसी महत्वपूर्ण पद पे आप रखते हैं तो वो किस तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान हमेशा खड़ा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि अभी हमारा पूरा का पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम फेस कर रहा है। गवर्नमेंट इन द रीसेंट पास्ट इज कटिंग बजट ऑन हायर एजुकेशन एंड फोकसिंग मोर ऑन बेसिक एजुकेशन। एक इशू और जो महत्वपूर्ण है जिस पर पूरे वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श चल भी रहा है, वो ये कि सरकार इस समय
हायर एजुकेशन पे जो बजट है, बजटरी एलोकेशन है, उसको घटा करके बेसिक एजुकेशन पे बढ़ा रही है. बिकॉज मैनी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स फील एंड मैनी ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दे फील दैट प्रॉब्ली बेसिक एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द हायर एजुकेशन. ऐसा इसलिए है क्योंकि हायर एजुकेशन सभी के लिए आवश्यक नहीं है. उन्हीं के लिए आवश्यक है जो क्वालिटेटिव स्टडी, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इंटरेस्टेड हों. इट इज़ नॉट मेंट फॉर ऑल द पीपल. पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत पहले तो लड़कियाँ इसीलिए ग्रेजुएट उनको करा देते, शादियाँ हो जाए उनकी. और अब धीरे धीरे वो सिनेरियो चेंज हुआ है. अब लड़कियाँ भी इसीलिए गर्ल्स और बॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट का भी बहुत महत्वपूर्ण स्टडी किया गया है. गिनीज ने उसको कोट किया है अपनी किताब में कि नंबर ऑफ एनरोलमेंट जो है वो फीमेल्स का पिछले एक दशक में एज़ कम्पेयर टू मेल्स जो उसका प्रतिशत है वो बढ़ गया है हायर एजुकेशन में, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट नाउ फीमेल्स आर ऑल्सो कमिंग इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन एंड दे आर कमिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. नाउ दे एस्पायर टू बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का ऑन जेंडर रिलेशंस एंड ऑन द अचीवमेंट ऑफ वीमेन ऑफ आर कंट्री. ये एक इशू है जिस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके. सो लॉजिकली इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट एज एवरीबडी शुड नॉट गो फॉर हायर एजुकेशन. अगर बजटरी एलोकेशन कम हो रहा है लेकिन जो थोड़े से लोग हायर एजुकेशन में जाने चाहिए वो इतने ज़्यादा ट्रेंड होने चाहिए जैसे कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में हायर एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा इम्फोसिस होती है, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का जो फैक्टर है उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. पेटेंटिंग के इस दौर में जहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ये दौर है, ऐसे में जो रिसर्च है अगर वो बाधित होती है तो क्वालिटेटिव एजुकेशन के इट इज़ नॉट गुड. ठीक है, इसलिए इस अवसर पे जो यहाँ पे जो बात अभी होनी चाहिए चुनौतियों को लेकर करके, देश में उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य, विशेष रूप से विस्तार यानी कि एक्सपेंशन, साम्या यानी कि इक्विटी, उत्कृष्टता यानी कि एक्सेलेंस और रोजगार हेतु दक्षता एम्प्लॉयबिलिटी संबंधी मुद्दों पर विचार होना चाहिए. गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन हमारे सामने क्या हैं, जो गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन हैं उसमें एक्सपेंशन है, उसमें इक्विटी है, उसमें एक्सेलेंस है और उसमें एम्प्लॉयबिलिटी है. क्योंकि किसी भी सिस्टम का आउटपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आउटपुट हमें ऐसी यूथ को पैदा करना है जो ग्लोबली कम्पीट कर सकें, ये हमारे हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का लक्ष्य समय होना चाहिए. इवन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन, सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी को भी इंक्रीज करे, यानी हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से रोज़गार मिल सके, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी उत्कृष्ट ट्रेनिंग उनके पास हो कि हर आदमी को रोज़गार मिलने का अवसर प्राप्त हो सके. तो इस मुद्दे पे अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक्सपेंशन के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी का रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है. अगर दिख भी रहा है तो सर्विस वर्कर्स आर इंक्रीजिंग नॉट नॉलेज वर्कर्स एंड दिस इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द होल सिनेरियो. ठीक है, देश में आज़ादी के समय जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नंबर यूनिवर्सिटी और कॉलेज और आबादी के सापेक्ष 0.4% से 20% हुआ है, 20% ऑफ द पॉपुलेशन, जिसमें सन 2020 तक इसके 30% तक हो जाने की संभावना है. 2020 तक 30% पीपल, मतलब इतनी बड़ी आबादी हायर एजुकेशन, यानी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर गोइंग टू सीक हायर एजुकेशन बाई 2020 एंड दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट. इतने लोगों को शिक्षा के बजाय अगर हम उसमें के ज़्यादा लोगों को, चूँकि हमारा 65% भारत युवा है और वो एक तरीके से डेमोग्राफिक लायबिलिटी है जिसको हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में चेंज करना है. वो एक ऐसी डेमोग्राफिक लायबिलिटी है जिसको अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में भारत परिवर्तित नहीं कर पाया तो भारत विकसित राष्ट्र बनने में बाधा पैदा हो जाएगी. बिकॉज इफ लायबिलिटी इज मोर देन द डिविडेंड देन इट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमिक सेटअप, इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोशल स्ट्रक्चर, इट विल क्रिएट मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, इट विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सो मैनी सोशल प्रॉब्लम्स.
करप्शन से लेकर अपराध तक सब बढ़ेंगे। ऐसी दशा में हमें इस बात पे गंभीर चिंतन करना है कि इस डेमोग्राफिक लायबिलिटी को कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम चेंज करें, तब्दील करें। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 65% इन केस ऑफ इंडिया इज यूथ। पूरे विश्व में जहाँ केवल 18% आबादियों की युवा है, वहाँ भारत के पास एक बड़ा अच्छा जो आंकड़ा है वो ये कि हमारा 65% जो आबादी है वो युवाओं की है। तो अगर आप देखिए HDI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी जो डेवलपमेंट के इंडिसेस हैं उसमें तमाम जगहों पे हम नीचे भी चल रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा है, जो पैमाना है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि कोई भी देश विकसित राष्ट्र है, वो पैमाना होता है वहाँ का HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, जिसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि युवा को असेट होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, इसीलिए हमारा जो मंत्रालय है, जो पहले उच्च शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। क्योंकि मानव जब तक संसाधन नहीं होगा तब तक वहाँ पर विकास नहीं होगा। आप विकास की पूरी बहस को जरा देखिए क्या है, ग्लोबलाइजेशन की पूरी बहस को देखिए, उच्च शिक्षा को उसी परिदृश्य में उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। विकास की पूरी बहस और विकास की पूरी अवधारणा गंभीर परिवर्तन के दौर से गुजरी है पिछले कुछ दिनों में। इट हैज़ गॉन थ्रू अ फेज ऑफ मैसिव चेंज, बिकॉज इनिशियली वी यूज टू सी डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश के विकास को उसके आर्थिक आंकड़ों में तब्दीलियों के परिप्रेक्ष्य में हम समझने की कोशिश करते थे। इफ द पर कैपिटल इनकम ऑफ एनी कंट्री इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स दैट कंट्री इज बिकमिंग डेवलप्ड। अगर किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो वो सीधा संकेत मान लिया जाता था कि यह देश और ज़्यादा विकसित हो रहा है। लेकिन जब बाद में सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट से लेके, हम सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट हमेशा हम उसको अपने फील्ड से भी कनेक्ट करेंगे, तो सोशल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद जो डेवलपमेंट का नोशन है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो चाहे वो किसी भी विषय में हो, तो बात होने लगी सोशल डेवलपमेंट की। क्योंकि डेवलपमेंट का जो हमेशा लक्ष्य होता है वो क्या है कि वो दो तीन चीज़ों को घटाए। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट को घटाए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को घटाए, पॉवर्टी को घटाए, गरीबी को घटाए। अगर ये तीन आंकड़े नहीं पर चेंज हो रहे हैं तो खाली मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ कल्चर होने से विकास नहीं होता है। 10 मैकडोनल्ड्स खुल जाएं किसी शहर में, ये इसका इंडिकेटर नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा विकास हो गया। विकास तब होगा जब सीधे सीधे उसके जो संकेतक हैं, जो इंडिसेस हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो उसके आधार पर अचीवमेंट्स बढ़ें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल पॉवर्टी घटे, पॉवर्टी घटेगी तो इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ गया और GDP GNP बढ़ गया लेकिन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज कर गई, तो वो रियल डेवलपमेंट नहीं, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक डेवलपमेंट। इसीलिए जब तक सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, एंड व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट होता है तब जब देश के सीमांत समूहों की स्थिति समाज में अच्छी होती है और वो मुख्यधारा में आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में ही हमने आपको बताया कि जब महिलाएँ, बच्चे, विकलांग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs या ऐसे तमाम सारे लोग जो अभी तक राष्ट्र की मुख्यधारा में नहीं थे और विकास की प्रक्रिया से दूर थे, जब उनका विकास होता है, जब वो बढ़ा हुआ GDP का समान वितरण सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में होता है, तब वो रियलिस्टिक डेवलपमेंट है। अदरवाइज इट इज़ अ यूटोपियन डेवलपमेंट। बिकॉज विद द राइज ऑफ GDP एंड GNP, इफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग एंड पॉवर्टी इज नॉट डिक्रीजिंग, इट इज़ नॉट डेवलपमेंट। रियल डेवलपमेंट विल अकर ओनली वेन द पीपल हु आर ऑन द लास्ट लेयर ऑफ सोसाइटी दे आर गेटिंग डेवलप्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में विकास को समझते हैं। और जब SDI का कैलकुलेशन होता है तो उसमें सीधे सीधे तीन इंडिकेटर्स होते हैं, और वो इंडिकेटर होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो डायरेक्टली एजुकेशन से लिंक्ड है उससे, हैं पर कैपिटा इनकम लिविंग स्टैंडर्ड में ही आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये दो तीन इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम कैलकुलेट करते हैं कि वह देश विकसित हुआ है कि नहीं, और रैंकिंग भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 145वें पायदान पे इस समय ये है, 24वें उस पर ये है। अब तो हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और अब करिकुलम की स्थिति ये है कि आप देखिए नॉर्वे जैसी कंट्रीज जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं, रीज़न क्या है उसका,
कि वहाँ पे जो स्कूल करिकुलम है अभी अगर आप देखें स्कूल एजुकेशन में तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, क्योंकि उनके सामने असुरक्षा का वातावरण इस समय पैदा हो गया है। आप देखिए मैक्सिमम लड़के पता चला फिटजी में कोचिंग कर रहे हैं, सीपीएमटी की कोचिंग कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा हाईली इनसिक्योर वातावरण में फंस गए हैं कि वो टेंथ और इलेवेंथ ट्वेल्थ की जो का जो लेवल है उसमें उनके साथ साथ उनके माँ बाप भी डिप्रेशन में आने का खतरा होता है। ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम इस समय क्रिएट हो गई है। द साइज ऑफ स्कूल बैग, द नेचर ऑफ द सिलेबस, कितना टाइम वो दे रहे हैं हम लोग को। हमें तो याद है कि अब देखिए आप, मैं प्रोफेसर हूँ लेकिन क्लास टेंथ तक मैं केवल खेलता था बस, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और पढ़ाई तो शुरू हुई इलेवेंथ के बाद से एक तरीके से, पर आज के बच्चे तो फिजिकल जो पार्ट है, जो एक्सरसाइज का पार्ट है उसमें ऑलमोस्ट जीरो। दे आर प्लेइंग ओनली विद द कंप्यूटर्स एंड द गैजेट्स दैट दे आर कैरिंग, मोबाइल टेलीफोन। किसी बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए आप कम पाएंगे, बड़े बड़े बैग्स लेकर करके और सवेरे से लेकर शाम तक स्कूल, और स्कूल के बाद से ट्यूशंस, और ट्यूशंस के बाद से सो कॉल्ड बुक्स खुली रहती हैं, कितनी पढ़ाई हो रही है वो अलग बात है, लेकिन जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक फैक्टर है जिस पर विचार होना चाहिए। अब आप देखिए, इंडिया शुड गेन फ्रॉम दिस यूथ बल्ज, जो आंकड़ा मैंने आपको दिया है कि 65% भारत की आबादी युवा है और वो शिक्षा से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए शिक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। और इस यूथ बल्ज, जैसे जो बल्ज है पॉपुलेशन में वो यूथ का ज़्यादा है क्योंकि उनका प्रतिशत आबादी में ज़्यादा है, तो इसकी वजह से पूरे चांसेस हैं जिस डेमोग्राफिक लाइबिलिटी की बात मैं कर रहा था, इट शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू डेमोग्राफिक डिविडेंड, और तब चुनौतियां जो हैं वो अवसरों में बदल पाएंगी। चुनौतियां हमेशा खराब ही नहीं होती हैं, कभी कभी चुनौतियों के लोग निखरते भी हैं, और तब चुनौतियां अवसर पैदा करती हैं समाज में, तब चुनौतियां अवसर पैदा करती हैं, लाइफ चांसेस। और जब वो अवसर पैदा होते हैं तब वास्तविक विकास होता है, व्यक्ति के स्तर पे और समाज दोनों के स्तर पे। ठीक है, तो अब आप देखें हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें 500 से ऊपर यूनिवर्सिटीज मैंने आपको आंकड़े दिए थे, 26,000 से ऊपर कॉलेजेस, और 4,00,000 टीचर्स, 4,00,000 पीपल इन हायर एजुकेशन सिस्टम, 4,00,000 से ऊपर शिक्षक, और लगभग 120,00,000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 120,00,000, जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। पृष्ठभूमि अलग अलग क्या हो सकती है, कास्ट के लेवल पे एनालाइज करना पड़ेगा, क्लास के लेवल पे एनालाइज करना पड़ेगा, जेंडर के लेवल पे एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी एक बहुत बड़ा इशू है। एजुकेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो इक्विटी है, वो इक्विप करना है, एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना है और लोगों को एनलाइटन करना है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रयास गवर्नमेंट कर भी रही है और लगातार कर रही है, लेकिन चूंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और एनरोलमेंट नंबर इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे रूसा बना, रूसा आप लोग जानते हैं क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। हर विश्वविद्यालयों में आप देखिए रूसा के तहत बजट्स आ रहे हैं और उन बजट्स का एलोकेशन जो होता है वहाँ के विश्वविद्यालय के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए होता है। एंड रूसा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी इन यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर राइट नाउ। ऐसे ही नैक है, नैक का नाम सुना है आप लोगों ने, NAAC, ये क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, जो कि 1994 में इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। इसी तरीके से IQAC की स्थापना हुई है। IQAC क्या है, इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल, हर कॉलेज में IQAC की स्थापना हो रही है, और किसी भी कॉलेज को अगर नैक का मूल्यांकन उसने नहीं कराया है तो किसी भी तरीके की मदद नहीं मिलेगी। तमाम तरीके की मदद से वो, अगर विश्वविद्यालय नैक का एक्रीडिएशन नहीं कराता है तो विश्वविद्यालय की ग्रांट शुरू की जाती है। इसलिए आप देखिए नैक की विजिट इतनी महत्वपूर्ण हो गई है और नैक का एक्रीडिएशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रख कर करके लोग कराते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के, नहीं तो तनख्वाहें रुक जाएंगी।
तो ये सारे स्ट्रक्चर, लेकिन ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम अगर इस तरीके से करेंगे कि कोई भी चीज़ अगर आपको ज़बरदस्ती कराई जाती है तो आप जैसे पहले के टीचर्स और आज के टीचर्स में क्या अंतर है, जो आप जिनसे पढ़े हैं और जो अब मिली अपॉइंटमेंट यानी आप, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या दिखता है? तब सैलरीज बहुत कम हुआ करती और मोटिवेशन लेवल लेकिन टीचर्स का बहुत हाई हुआ करता है। आज सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं जो गवर्नमेंट एडेड सिस्टम में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मोटिवेशन का लेवल कितना है स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स बोथ हम बोल रहे हैं। हमें याद है कि जब मैं पहले विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाया करता था तो क्लास में लड़के खड़े होकर करके, सीट तो मिलती ही नहीं थी ना, वो किनारे किनारे खड़े रहते थे सर ऐसे, और क्लासरूम जो बड़े बड़े हॉल थे उसमें माइक तो वहाँ नहीं लगा रहता था, लेकिन 100% क्या, अगर 120 का एनरोलमेंट है तो 200 लड़के वहाँ खड़े रहते थे, लड़के और लड़कियाँ। और अब मैं देखता हूँ तो पता चला अभी जो स्थिति है वो ये है कि अगर 120 का एनरोलमेंट है और रेगुलरली 45 स्टूडेंट्स हैं तो बहुत, 40 हैं तो बहुत। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम, वॉट इज एग्जैक्टली द इश्यू, वॉट इज गॉन रॉन्ग विद द हायर एजुकेशन सिस्टम, वो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और क्वालिटी का इशू हायर एजुकेशन में खड़ा हो गया है। देखिए जब नॉलेज एक इंडस्ट्री बन जाएगा, उद्योग, उद्योग का लक्ष्य क्या होता है? प्रॉफिट। वेरी गुड, वो भी एक फैक्टर है। आप देखिए जो एलिमेंट होता था उसमें टीचिंग में, जो इम्पोर्टेंस है टीचर्स, अगर आप उसको इक्वेट करेंगे कंप्यूटर से तो वो एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा होगा उस पर शो हो रहा है। क्या प्रोफेसर को कंप्यूटर रिप्लेस कर सकता है? अभी आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं अभी आपको आके अगर आप कहिए तो हमारे पास एक बुक है जिसमें मैं बता दूँ कि यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसी खुल गई है जहाँ पर सारा का सारा जो अध्ययन होता है वो डिस्टेंस है, लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखे हैं और टीचर्स की जगह कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं मैक्सिमम केसेस में, और जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट है उसमें बहुत हाई है और वो पूर्णतः प्रॉफिट ओरिएंटेड है। अभी यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको बता दूंगा, हमें किताब खोलनी पड़ेगी, उसको पढ़ के भी बता दूंगा आपको। वो जो उसकी प्रॉफिट का जो एलिमेंट है वो मिलियन डॉलर्स में। तो ये जो अभी इन्होंने कहा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अब जब सारे एजुकेशन सिस्टम का डिजिटाइजेशन हो रहा है, अब वो अपने प्रोफेसर के पास स्टूडेंट नहीं जाएगा ये जानने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है, वो सीधे गूगल पे सर्च करेगा, विकिपीडिया के सेक्शन में जाएगा और थोड़ी सी नॉलेज इतनी चाहिए। दैट इज़ वाई नॉलेज ऑब्लिक इंफॉर्मेशन, इसकी बहस शुरू हो गई है शिक्षा में इस समय, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एज इसको कहते हैं। और इसका क्या रिलेशनशिप है क्वालिटी से, दिस नीड्स टू बी असेस्ड, बिकॉज कैन कंप्यूटर रिप्लेस प्रोफेसर्स, कैन कंप्यूटर्स रिप्लेस टीचर्स? पढ़ाना तो ABCD या कंप्यूटर भी पढ़ा देगा स्कूल में, लेकिन क्या वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? कितना अफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है, स्कूल के लेवल पे भी, सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे भी, और हायर एजुकेशन में तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं बाकायदे। तो इस तरीके की जो बॉडीज़ हैं, रूसा, नैक, IQAC, दिस
Thus, the quality management and finally quality enhancement of higher education is the ultimate goal so that our youth can compete globally in the job market in new environment of globalization. इस नए माहौल में जो पिछले तीन दशकों से क्रिएट हुआ है उसमें हमारे यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके यही हमारे उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाओं का लक्ष्य है और इसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एनहांसमेंट सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो एक बेहतर उच्च शिक्षा का परिदृश्य क्रिएट कर सकते हैं सो नाउ वी नीड टू एम्फसाइज नॉट ऑन क्वांटिटी इट शुड बी ऑन क्वालिटी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक टिप्पणी की तो उसमें उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है लोगों की नीति आयोग के अध्यक्ष उन्होंने अपने एक भाषण में एक बार जिक्र किया कि जो युवा आज़ादी के पहले था जो युवा आज़ादी के बाद है और भूमंडलीकृत भारत का जो युवा है तो उसमें क्या अंतर देखते हैं आप कोई विचार किया आप लोगों ने आप सभी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं ऑल द यूथ हु वर देयर हु वर एजुकेटेड और जो परिदृश्य आज़ादी प्री 1947 एरा का यूथ क्या था 1947 से लेकर 1990 तक के यूथ का ओरिएंटेशन क्या था और 1990 के बाद के यूथ का ओरिएंटेशन क्या है इस पर आपको चिंतन करना चाहिए 1947 के पहले का युवा भारत के लिए पूर्णतः समर्पित था और देश की आज़ादी उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था उस समय जो भारत का मिडिल क्लास था यानी कि डॉक्टर एडवोकेट्स टीचर्स वह सब आज़ादी की जंग में कूद पड़े थे और पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लेकिन क्या हुआ कि 1947 के बाद का वही युवा पहले अपने ऊपर पूरी तरीके से आत्म केंद्रित हो गया और उसका लक्ष्य पहले ही से ये हो गया है कैसे देश छोड़ करके अमेरिका चले जाएं पैसा कमाने के लिए जो युवा जेलों में जाने के लिए तैयार था आज़ादी के पहले राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू होती आज़ादी के बाद से तो वाई दैट यूथ बिकेम सेल्फ सेंटर्ड वाई दोज डॉक्टर्स स्टार्टेड अर्निंग फीस दे एम्फसाइज मोर ऑन द क्यू दैट दे आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ देयर ओपीडीज एंड क्लिनिक्स आज डॉक्टर ये नहीं उस समय का डॉक्टर और वकील जो है वो संघर्ष कर रहा था आज़ादी के लिए और उसके बाद उसका जो प्राइमरी लक्ष्य हो गया वो ये कि हमारे क्लिनिक में हमारी ओपीडी में मरीजों की संख्या कितनी बढ़ जाए और उसकी इनकम कितनी इंक्रीज करे लास्ट में उसकी इनकम कितनी इंक्रीज करे तो ये दिक्कत जो ओरिएंटेशन की आई अगर आप कहें तो आपको इंटरेस्ट हो तो मैं एक बार जो वैल्यू सिस्टम वॉज क्वाइट ट्रेडिशनल प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में ओनली फ्यू ऑफ देम गॉट इंग्लिश एजुकेशन उस समय का जो युवा बहुत कम ऐसा युवा था जिसको उस समय अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त हो रही थी अंग्रेजी माध्यमों की शिक्षा प्राप्त हो रही थी और इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न सिस्टम वॉज ऑन अ वेरी लिमिटेड सेक्शन आप देखिए उस समय आई सी एस जैसी नौकरियाँ हुआ करती थी और जो पूरे के पूरे वेस्टर्न सिस्टम का सीधा इम्पैक्ट है वो बहुत कम युवा वर्ग के ऊपर देखा जा रहा था उस समय यूथ जो कास्ट डिविजन्स थे उसमें अगर आप पाएंगे तो जो हाई कास्ट यूथ था उसी के पास उच्च शिक्षा के अवसर उस समय प्राप्त थे जो लो कास्ट यूथ थे वो मैक्सिमम लिमिटेड उस लेवल पे थे ही नहीं कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी शो की जा सके जेंडर के लेवल पे भी द वुमेन वर वेरी डी पावर्ड एज फार एज द इकोनॉमिक डायमेंशन इज कंसर्न्ड बिकॉज दे लैक एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और मेन एम ऑफ द यूथ वॉज टू फ्री इंडिया ये मैं बता रहा हूँ आपको दृश्य जो आज़ादी के पहले का दृश्य है और उसके बाद का जो दृश्य है जो पोस्ट इंडिपेंडेंट का इंडिया का आप देखते हैं वो वैल्यू सिस्टम चेंज्ड क्योंकि प्राइवेट कैपिटल आना शुरू हो गया था मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था हमारे डेवलपमेंट का यूथ इन द फॉलोइंग डिकेड स्टार्टेड बिकमिंग मोर कंसर्न रिगार्डिंग देयर ओन फ्यूचर्स उस समय का युवा अपने भविष्य के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो गया था और अपने भविष्य के बारे में चिंतन करना उसने शुरू किया 60-70-80 के दशक का भारत का युवा और प्रॉब्लम्स तमाम सारी एजुकेशन सिस्टम की ये थी कि एजुकेशन सिस्टम वॉज नॉट गिविंग दैट गुड आउटपुट दैट विच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट तो माइग्रेशन पैटर्न वॉज फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ टू बिग सिटीज़ जो उसमें
शिक्षित युवा थे वो छोटे गांवों से तो शहरों की तरफ, उसका बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। ये पैटर्न उस समय देखने को मिल रहा था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यूथ एक्टिविज़म बहुत बढ़ा था। स्टूडेंट यूनियन की जो पॉलिटिक्स है यूनिवर्सिटीज़ में, वो अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँच चुकी थी। जनरेशन गैप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, क्योंकि भारत बहुत तीव्र सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, और जब सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र होती है तो जनरेशन गैप की प्रॉब्लम बढ़ती है। ऐसे ही जो पोस्ट लिबरलाइजेशन का जो फेज़ है, अगर उसके यूथ को और हायर एजुकेशन सिस्टम को अगर आप देखें, तो चेंज इन द वैल्यू सिस्टम बिकेम वेरी सिवियर बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1990 के बाद से जो भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, उसकी वजह से वैल्यू सिस्टम बहुत तेज़ी से चेंज हुआ। और ये वैल्यू सिस्टम इतना चेंज हुआ कि इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और युवा भी इससे छूटा नहीं था। इसके साथ ही साथ कंपीटिंग इन द एनवायरनमेंट ऑफ मार्केट इकोनॉमी, चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था का आगमन भारत में हो चुका था 1990 के बाद से, जिसको हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में, और सीमाओं का महत्व घटना शुरू हुआ आर्थिक परिदृश्य में, इसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और वही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है आज के उच्च शिक्षा के माहौल में, क्योंकि डिलीवरी सिस्टम उसका वीक हो रहा है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड बेस्ड कल्चर जो है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट वी आर ऑब्जर्विंग आफ्टर द 1990s। 1990 के बाद से कौन सर्वाइव करेगा, तो वो सर्वाइव करेगा जो सबसे अधिक फिट है। फिट कैसे है? जो कल्चरली इक्विप्ड है, जो एजुकेशनली इक्विप्ड है, जो कैपिटल के मामले में इक्विप्ड है। What will be the future? This is the point which makes the youth of today's India very insecure. असुरक्षा की भावना पैदा करता है ये FOMO. FOMO एक फिनोमेना है, FOMO. इसका फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस दौड़ में हम पीछे ना छूट जाएं। FOMO. ये टर्म साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो युवा, और वो युवा जो शिक्षित है, he is also suffering from the syndrome of FOMO. इसके साथ ही साथ generation gap or the pressure of EMI economy has increased, which has created new kind of problems in the field of higher education as well as in front of the youth of India today. ठीक है, तो अब इसके बाद पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स की प्रोफाइल में सुधार लाने के लिए और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में भी बदलाव लाने आवश्यक हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन बेहतर नहीं होगी, तो टर्शियरी लेवल पे भी उसको बेहतर होने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। That is why the delivery of the higher education system must go up. जो उसका आउटपुट का पक्ष है, ग्लोबलाइजेशन ने जो चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं उनको अवसर में बदलने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, अभी हमारे यहाँ इसरो के चीफ आए थे, हम लोगों ने उनको बुलाया था। इसरो के चीफ को कौन नहीं जानता है आज की डेट में, जो रॉकेट्स भेज रहे हैं अंतरिक्ष में। तो उनसे 10 मिनट मुझे अवसर मिला था कि उनके साथ बैठ करके बात किया जाए। ही वॉज चीफ गेस्ट ऑफ कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो उनसे जब बात करने का अवसर मिला, तो जो बड़ी बड़ी विभूतियाँ होती हैं उनसे जब आप बात करेंगे तो बात से ही बहुत कुछ सीखेंगे आप उनसे। उन्होंने कहा कि हम तो फेल हो गए थे, जो हमारा सबसे पहला लक्ष्य था वो हमको नहीं मिला, जो हमने जीवन में दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया वो भी हमको नहीं मिला, हमारा एडमिशन वहाँ नहीं हुआ जहाँ हम चाहते थे, एंड नाउ आई एम इसरो चीफ। क्योंकि जो फिर हमें ऐसा लक्ष्य मिला जो इन दोनों लक्ष्यों से बहुत ऊपर था, इट वॉज जस्ट बिकॉज आई हैड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। तो इसी तरीके से अब हमें एक मॉडल ऐसा भी तैयार करना पड़ेगा जिसमें हम अपने विद्यार्थियों को कह सकें कि आप कैसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं।
तो मुझे एक बार मैं सीधे कोट करता हूँ, हमारे नैक के चेयरमैन एक बार आए, उन्होंने कुछ बिंदु रखे जिनको उस समय मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज के युवा को, आज के उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को और शिक्षकों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे वो यूथ में उन आइडियाज़ को इंकल्केट कर सकें। जैसे वो अपने कार व्यवहार में हमेशा लचीले होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टुडे। अपने स्टूडेंट्स को हमको ये कहना पड़ेगा कि किस तरीके से वो अपने आप को लचीला रखें, फ्लेक्सिबल रखें। जैसे उनका एक लक्ष्य अगर पूरा नहीं हो रहा है तो नो नीड टू गेट गो इन टू डिप्रेशन, यू कैन ऑलवेज शिफ्ट योर फोकस टू गेन समथिंग एल्स टू अचीव समथिंग एल्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर, और वो नवोन्मेष और रचनाधर्मिता के प्रति इच्छुक और दक्ष हों, नई चीज़ें नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, नई चीज़ों को ट्राई करें। आप देखिए इतनी तेज़ी से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है कि जिस तरीके का बिजनेस पहले था वो सारा का सारा बिजनेस सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। अभी पूरी तरीके से नए बिजनेस के चीज़ें खुल रही हैं। पहले लोग कहते थे कि हम सेंट्रल मार्केट में हमें कोई दुकान खोलने को मिल जाए बड़ी अच्छी बात होगी, इंजीनियर बन जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, डॉक्टर बन जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, कोई एजेंसी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन आज बड़ी बड़ी एजेंसियां लेकर के लोग कह रहे हैं कि हमें तो वो इनकम ही नहीं हो रही है। पहले पेट्रोल पंप के लाइसेंस कोटा राज में हम रहते थे तो कोई गैस की एजेंसी किसी को मिलती थी तो पता चलता है, लगता था कि जैसे लॉटरी खुल गई उसकी, अब और कई जनरेशन उसकी इकोनॉमिकली सिक्योर हो गई। लेकिन अब जो वो गैस एजेंसियाँ मिलती हैं लोगों को तो दे आर सो इनसिक्योर, वो कहते हैं हम 50,000 रुपये भी नहीं सेव हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। This is all because of competition. So if you are not achieving in one field, you should always try to shift your focus to some other field. Along with flexibility, you should have innovative kind of attitude so that you can adjust in a new kind of environment. तो ये चुनौतियों को अवसर में बदलने की एक तरीका है, और दक्षता चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए। ये दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है। तो वे तमाम तरीके की वो जो हमारा उच्च शिक्षित युवा इस समय है वे अनिश्चितताओं का सामना करने में सक्षम हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये हो गया है कि जैसे गिडेंस ने एक बार कहा कि एक ऐसी अनियंत्रित ट्रक चल रही है जो जिसकी दिशा कब बदल जाए ये पता ही नहीं किसी, और एक शब्द हमारे दिमाग में इस समय नहीं आ रहा है, मैं अभी आएगा तो मैं बताऊँगा आपको। उन्होंने इस पूरे क्राइसिस सोसाइटी की बात की, crisis society, because there is a big crisis in society and people are very, you know, they are afraid regarding their futures. So sociologically, as a sociologist, जब हम इसको देखते हैं तो ये चिंता की बात है। हालांकि हर तरीके की चिंताएँ अवसरों को create करती हैं, इसलिए ये problems आती रहती हैं, solutions निकलते रहते हैं। तो जीवन पर्यंत सीखने के लिए हमेशा शिक्षा के दौर में, इस दौर में तैयार रहना चाहिए लोगों को, उसमें संवेदनशीलता और संप्रेषण का कौशल होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए हर आदमी को, क्योंकि अब जो सोसाइटी वो नॉलेज सोसाइटी ना होकर इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, दिस इज़ इंफॉर्मेशन एज। और ये एक नई तरीके की क्योंकि अब आप हमें चाहिए क्या, हर चीज़ पर दो पन्ना जान जाइए, आपको जरूरत नहीं कि 200 पन्ने जानिए उस पर, लेकिन दो दो पन्ने सबके बारे में जानते हैं बस काम चलता रहेगा। एग्ज़ाम का सारे एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव होते जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इवन बीए पार्ट वन का जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर, अरे सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। लिखना भूल गए हैं लोग अब। हमें याद है जेएनयू में जब मैं पढ़ता था तो हमारा एक फ्रेंड हुआ करता था जो लिख ही नहीं पाता था, अगर वो लिख दे तो ऐसे ऐसे लिखता था, उसको लिखने को डिसाइफर करना बड़ा भारी चुनौती थी। यूज़ टू राइट ऑन कंप्यूटर लैपटॉप्स, और उस समय लैपटॉप बड़ी चीज़ थी, नई चीज़ थी। लेकिन अब बच्चे लिखना भूलते जा रहे हैं, और अभी एक बच्चे का एडमिशन मैं कराने गया तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से भी बात की हमने, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इन सबों को कहिए कि कंप्यूटर पे ऑपरेट ना करें, लिखना शुरू करें हाथ से, नहीं तो लिखना भूल जाएंगे। ये प्रॉब्लम आज के एजुकेशन सिस्टम में क्रिएट हो गई। जो लक्ष्य है एजुकेशन सिस्टम का वो एम्प्लॉयबिलिटी को सीख करना है, नॉलेज को सीख करना नहीं रह गया। तो नॉलेज को सीख करना अगर नहीं रह जाएगा तो एक बड़ी क्राइसिस इसलिए क्रिएट हो जाएगी कि हर व्यक्ति मशीन में तब्दील होना शुरू होगा। इंफॉर्मेशन एज में आप देखिए बॉटलनेक थ्योरी एक है,
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब आने लगती है तो एक क्राइसिस क्रिएट हो जाती है। इन्फॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन कैसे किया जाए, अब ये सब आज के एजुकेशन सिस्टम के सामने चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा लड़का तुरंत इंजीनियर हो जाए ही, वो 50% जैसे बहुत सारे केसेस गोरखपुर में ऐसे आए जिसमें IIT क्वालिफाई किए हुए लड़के 75% नंबर नहीं सिक्योर कर पाए जिसकी वजह से IIT में एडमिशन नहीं हुआ। दे क्वालिफाइड द टेस्ट बट दे कुडंट गेट 75% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। इट वॉज बिकॉज दे वर फोकसिंग राइट फ्रॉम डे वन ऑन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नॉट ऑन द बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड के करिकुलम पे ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, और शॉर्टकट से आंसर्स कैसे निकालते हैं विदाउट फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट स्टेप्स, दे आर मास्टर्स इन दैट। अब पता चला कि 11th में 12th के एग्जाम में नंबर तो तब मिलेंगे जब आंसर सही निकालने के साथ आपने स्टेप्स भी सही फॉलो किए, वो स्टेप उनको आता नहीं क्योंकि करिकुलम उन्होंने पढ़ा नहीं है। दे नो द शॉर्टकट्स। अब तमाम बच्चों के लिए पहले ही से देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लोग भेज रहे हैं कौन वैदिक मैथमेटिक्स से कोई है जिसमें सीधे सीधे आंसर्स निकाल देते हैं बिना कैलकुलेशन के। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम एक इतना ज़्यादा कंपटीशन इसमें होता जा रहा है और इतना इन्फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है कि वो एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। हमारे स्टूडेंट्स में टीम वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि जो नया दौर है पूरे इस सिस्टम का वो बेस्ड है टीम वर्क पर और स्पेशलाइजेशन पर, और टीम के हर मेंबर का स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है। देखें तो जैसे कार के में बहुत सारे पुर्जे होते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो भी ऐसे ही अलग अलग जस्ता के लोगों को इकट्ठा करता है और इंजन चलने लगता है। तो हमेशा अब स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सोशियोलॉजी के आप टीचर हैं तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आप डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि आप डेमोग्राफी में काम कर रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं कि आप थ्योरी में काम कर रहे हैं कि आप एनवायरमेंट के एरिया में काम कर रहे हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं सोशियोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये तो इतनी डाइवर्स फील्ड है। ऐसे ही हर विषय में इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का दौर बढ़ गया है, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं है इस समय। तो उद्यमशीलता भी इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को शुरू से ही, एक और बड़ा जो पॉइंट इसमें है। और श्रम बाजार के अंतर्राष्ट्रीयकरण के मद्देनज़र स्वयं को तैयार करने और विभिन्न संस्कृतियों के विषय में अपनी समझदारी को बढ़ाने का दौर ये आ चुका है, क्योंकि लोग अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जॉब्स को सीख कर रहे हैं। ख़त्म, अरे यार अभी तो बात ही नहीं मिली, ख़त्म किया जाए तो आपने हो गया। अच्छा चलिए फिर मिलेंगे तो और बात होगी। आई 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 सर का ये चिंतन आपके गंभीर आपका ये लेक्चर आपके गंभीर चिंतन का परिणाम लगता है सर। आपने शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अनेक छोटे बड़े पहलुओं पर चर्चा की, आपने शिक्षा व्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर से लेकर के मार्जिनल सोसाइटी, शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी कमजोरियों के बारे में, सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, आर्थिक भूमंडलीकरण, बहुत सारे अनेक मुद्दों पर चर्चाएँ की और हमारे सामने बहुत सारे ज्वलंत और महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़ा है आपने, उनकी बहुत सारी चर्चा की है। सर आपके इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए हम सभी प्रतिभागियों की तरफ से, फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से तथा ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। थैंक यू सर।